ऐसा ही बुला रहे। हेलो, हाँ मैं जुल्फ़िकार एमएलए बात कर रहा हूँ। हाँ ये कह गया था दुकान बंद करा रहे आप। हाँ कैसा डीसी पे आप इंस्ट्रक्शन देते आपको? हेलो, कैसा डीसी पे आप इंस्ट्रक्शन देते? जीओ देने के बाद में डीसीपी कौन से इंस्ट्रक्शन देने वाले? हाँ क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर है क्या डीसीपी तुम्हारे? रहते सस्पेंड करा दूं तुम्हारे, कल जाके तुम्हारे को। हाँ तो तुम तुम्हारी ड्यूटी में तुम आ रहे हो यहाँ पे, आके बंद कराओ दुकान। देखिए आओ यहाँ आओ, अब मैं आओ यहाँ आओ, तुम बंद कराओ, देखेंगे तुम्हारे कितना था। मैं आके बंद करा यहाँ पे। हाँ वो बाहर छाप बंद करो, पांच छाप नहीं बन सकते तुम, कोई दुकान बंद नहीं कर सकते। जियो फड़ना आता तुम्हारे को? ऑल इस्टेब्लिशमेंट बोल के लिखा हुआ है जियो में। कैसा डीसीपी बोलते बंद करा बोल के? ये बेकार बात नहीं करना तुम, अब आइंदा दिखना नहीं इधर के इधर दुकान बंद कराने को। हाँ हाँ ठीक है। आज नौ रमजान की शब, दस रमजान की शब, अफजलगंज से जो फ्रूट मार्केट है और दूसरे दुकानें हैं वहाँ से सदर मोहतरम नखिब मिल्लत को भी कंप्लेन आया और मुझे भी कंप्लेन आया कि यहाँ के जो एएसआई है ब्रह्मानंद ब्रह्मया जो भी है वो उनकी ड्यूटी के अंदर आके दुकानें अमदन बंद करा रहे हैं। पिछली मरतबा भी दो दिन पहले ये हुआ था, दो तीन दिन पहले मैं अफजलगंज के सर्कल से बात किया, उन्होंने कहा नहीं साहब जियो आ गया, हम बंद नहीं कराएंगे, मैं बोल दूंगा। और यहाँ पर आके खामा खा के चालान कर रहे हैं। अभी भी मैंने सर्कल से बात किया, सर्कल साहब ने कहा कि मैं उनको वार्निंग देता हूँ जो भी एएसआई है ये दुकानों के पास नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब एएसआई से अभी मैं बात किया तो एएसआई बता रहे डीसीपी साहब बंद करो। कैसा बंद करो बोलते डीसीपी साहब? जो गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, जियो आ गया कि ऑल इस्टेब्लिशमेंट विल बी ओपन इन द रमज़ान। क्या ये इंग्लिश पढ़ना नहीं आता एएसआई को? उनको कैसा बंद कराते? एक दुकान बंद कराएंगे अच्छी बात नहीं होगी। और मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत से कहता हूँ, मुतालबा करता हूँ और पुलिस के ऑफिसर से मुतालबा करता हूँ कि ये एएसआई जो भी बंद करा रहा है दुकान आकर और चालान कर रहा है उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर एक्शन लिए आप। और जितने चालाना किए हैं इस दौरान तमाम चालानों को कैंसिल करिए। गरीब लोग रमज़ान में बड़ी मुश्किल से धंधा कर रहे हैं, दिन भर धंधा करने के बाद ये पुलिस हर जगह पर जाके चालान करती है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं पुलिस के आला अहदेदारों से और खसूसन डीसीपी और कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ, पुलिस कमिश्नर से, कि इनके खिलाफ़ एक्शन लीजिए और गरीबों को राहत दिलाइए आप। हम गरीबों के लिए है, आप गरीबों का जो मेहनत करें, हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती इनको। हुकूमत का काम है कि नौकरी फराम करे, नौकरी नहीं दे सकती। उसके बावजूद ये गरीब धंधा करते हैं, दिन भर धूप में ठहर के दुकानें खोल के मंडियों पर ठहर के धंधा कर रहे हैं, उनको रोज़ाना चालान किया जा रहा है। इन चालानों को बंद करिए। और सीएम साहब भी मुतालबा करता हूँ मैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए सीएम साहब, कि गरीबों पर चालान जो ले रहे हैं चालान बंद कराइए और जो भी चालान है तमाम चालानों कैंसिल करिए। इस तरह के जो भी ऑफिसर जो हरकत कर रहे हैं ये आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप एक अच्छा काम करें जब तमाम दुकाना खोले हैं मजलिस के नुमाइंदगी के ऊपर। आपने असम्बली में कहा था जब नखीब मिल्लत बरस रसोद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असम्बली में पुरजोर नुमाइंदगी की। आपने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मैं यही से ऑर्डर दे रहा हूँ कि रमज़ान में और तमाम तीन जगने की रातों में तमाम दुकानें खुले रहेंगे। उसके बावजूद फिर इतना ऐसा हुआ, आपने जियो निकाला। आप जियो निकालने के बाद भी ये हो रहा है तो आप इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हमारा काम है आपको आगाह करना, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम यकीनन फिर बाद में अगर कुछ होगा तो हमको नहीं कहना। शुक्रिया।